नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रैली को किया संबोधित, कहा ममता बनर्जी ने बंगालियों के साथ किया विश्वासघात। पीएम मोदी बोले इस बार भाजपा को 5 साल का दीजिए मौका, पश्चिम बंगाल से 70 साल की बर्बादी को हम निपटा देंगे। पीएम मोदी बोले टीएमसी ने आपके सपनों को किया चूर चूर, बंगाल में अब खेरा खत्म होवे, विकास आरंभ होवे। पीएम मोदी ने पारसी समुदाय को दी नवरोज की शुभकामनाएं, कहा हर किसी के लिए खुशियों और स्वास्थ्य भरा हो नया साल। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने लिया बड़ा फैसला, भैया जी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को बनाया सरकार बाह। अफगानिस्तान में होने वाली समिट में शामिल होंगे अजय शंकर, पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से हो सकती है मुलाकात। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की राजनाथ सिंह से हुई बातचीत, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ेगी सैन्य साझेदारी। राजनाथ सिंह और ऑस्टिन ने कई बड़े समझौतों पर किया हस्ताक्षर, संयुक्त बयान में ऑस्टिन ने भारत को बताया महत्वपूर्ण साझेदार। हवाई यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य, मास्क न पहनने पर टेक ऑफ से पहले उतारे जा सकते हैं यात्री। डीजीसीए का आदेश, नियम न मानने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, हवाई यात्रा पर जीवन भर के लिए लगाया जा सकता है प्रतिबंध। अब एनआईए करेगी मुंबई के मनसुख हिरेन मामले की जांच, इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मुंबई के स्लम बस्ती धरावी में 62% तक बढ़े कोरोना के मामले, सीएम उद्धव ठाकरे बोले अब लॉकडाउन ही बचा विकल्प। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लॉकडाउन पर दिया बयान, बोले कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अंतिम समाधान नहीं है लॉकडाउन। बंगाल की सीएम ममता ने रैली में पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। ममता बनर्जी ने हल्दिया में भाजपा को बताया सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी, भगवा पार्टी पर बवाल की साजिश रचने का भी लगाया आरोप। असम के जोरहाट में रैली में राहुल गांधी ने संघ पर बोला हमला, कहा नागपुर से नहीं चलना चाहिए आपका राज। राहुल गांधी ने दिल्ली की तर्ज पर असम में फ्री बिजली का किया ऐलान, कहा राज्य की हर महिला को दिए जाएंगे प्रतिमाह 2000 रुपए। एफआईएफ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने अमिताभ बच्चन, कहा देश की फिल्म विरासत को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केमिकल फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, हादसे में 4 की गई जान, 50 लोगों को सुरक्षित निकाला। अयोध्या के राम मंदिर में लगेंगे श्रीलंका के सीता एरिया के पत्थर, श्रीलंका के उच्चायुक्त बोले दोनों देशों के संबंधों की मजबूती का बनेगा स्तंभ। तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहे भारत और फ्रांस, इसरो अध्यक्ष बोले द्विपक्षीय सहयोग में मानव अंतरिक्ष उड़ान शामिल। केरल में कांग्रेस के सहयोगी यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का किया वादा। फतेहपुर में मिलावटी शराब पीने से 2 मजदूरों की गई जान, गाजीपुर थाना अध्यक्ष समेत 6 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। राम मंदिर न्यास ने अयोध्या में खरीदी 1 लाख वर्ग फुट जमीन, सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए मौलिक सुविधाओं का होगा विस्तार। संयुक्त राष्ट्र में नस्लवाद को लेकर आपस में भिड़े चीन और अमेरिका, अमेरिका ने उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाकर ड्रैगन को घेरा। अमेरिका और चीन के बीच पूरी हुई पहली प्रत्यक्ष वार्ता, अमेरिका ने चीनी प्रतिनिधि मंडल पर दिखावा करने का लगाया आरोप। उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने उर्वरक की कमी से किया इनकार, बोले यूरिया के लिए किसानों को नहीं होगी कोई समस्या। आरबीआई ने प्रकाशन लेख में अर्थव्यवस्था को लेकर किया दावा, कहा बजट में उठाए गए सुधारवादी कदमों से जीडीपी में होगी वृद्धि। भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने फोन टेपिंग मामले में साधा निशाना, बोले गहलोत सरकार ने किया निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन। दिग्विजय सिंह ने गांव में सक्रिय संघ के स्वयंसेवकों पर लगाया आरोप, का संघी कहते हैं कि वोट किसी को दीजिए, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। पंजाब में धूमधाम से मनाई गई गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। सीएम शिवराज ने ओलावृष्टि के शिकार किसानों को लेकर की बैठक, बोले ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बदले देंगे आर्थिक मदद। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, का इटली से शासन करने वाली कांग्रेस का सफाया करेगी बीजेपी। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, दिल्ली में नड्डा के आवास से निकले सीएम ने मीडिया से नहीं की बात। बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार पर कसा तंज, कहा अब हालात वैसे हो गए जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सीएम योगी ने रानी बंतीबाई बलिदान दिवस पर किया बड़ा ऐलान, बोले वीरांगना के नाम पर यूपी पीएसी में होगी 1 महिला बटालियन। झारखंड के सीएम हेमंत ने युवाओं के रोजगार पर दिया बयान, कहा अब राज्य के हर युवा को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं। आईपीएस निहारिका सिंह पर ईडी ने दर्ज किया फर्जीवाड़े का केस, बुलियन कंपनी के जरिए 600 करोड़ का फ्रॉड करने का लगा आरोप। सीजेआई बोबड़े को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के तौर पर अगले उत्तराधिकारी का पूछा है नाम। सीएम योगी का लॉकडाउन लगाने वाला पुराना वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया में वायरल करने वाले पर कार्रवाई के लिए जांच शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर की केंद्रीय जेल में शुरू किया टीकाकरण, जेल कर्मचारियों और कैदियों को दी गई कोरोना टीके की पहली डोज।
सीएम केजरीवाल ने घर घर राशन योजना से हटाया मुख्यमंत्री शब्द का, मुझे उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार योजना को देगी इजाजत। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग का ड्रग्स तस्करी रोकने पर बयान, बोले राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स रोकेगा ड्रग्स की तस्करी। बांदा में गुलाबी गैंग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर किया प्रदर्शन, व्यापारी गोलीकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की रखी मांग। बांदा में सैनिक परिवार ने मंत्री लाखन सिंह राजपूत से लगाई मदद की गुहार, मंत्री ने दिया अवैध कब्जे के मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा। क्यार के मधुआपुर प्रखंड में मिली 5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा, 10 क्विंटल की प्रतिमा के दर्शन को दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया प्रकाश हॉस्पिटल का उद्घाटन, लोगों को सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की भी दी जानकारी। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के लिए जारी की गाइडलाइंस, भारत इंग्लैंड के खिलाड़ियों को क्वारंटीन नहीं होने की दी छूट। एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में जा सकेंगे खिलाड़ी, गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे प्लेयर। मनिका शरद की जोड़ी ने जीता टेनिस के मिश्रित युगल का फाइनल, दोनों ने 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।